दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों आज आप सबके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, और जो भी प्रैक्टिस सेट मैं रोज़ प्रोवाइड करवाता हूँ, अगर आप उनको नहीं देखते हैं तो देख लिया करो, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें यानी अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो। फॉलो करने का फ़ायदा क्या मिलेगा कि अभी मैं लगातार वहाँ पर करंट अफेयर के, जीके जीएस के और रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस सके और आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत अच्छे से निकल जाए। तो फॉलो कर लो अकेडमी पर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, मालूम होता है कि तुम्हारे वहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसके लिए हमको एक उपयुक्त मुहावरा बताना है क्या हो सकता है। मालूम होता है तुम्हारे वहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। मालूम होता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट मुहावरा होगा, हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। जी हाँ, अन्न जल उठ जाना, ये इसके लिए एक उपयुक्त मुहावरा होगा। कुछ लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट के लिए आप लोग आप टाइम नहीं देते, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब तक मैं क्वेश्चन आपको बताता रहता हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जी जान पर खेलने का आशय क्या है। जी जान पर खेलने का आशय क्या है दोस्तों। जी जान पर खेलने का आशय होता है सब कुछ बलिदान कर देना, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं टिक भी लगा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेते चलो, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, आप उनको दोबारा प्रैक्टिस भी कर सको। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा विश्वासघाती होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विश्वासघाती होना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा दुख सहना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या होता है। आँख ना होने पर भी सुखी नहीं भैया, इसका मतलब होता है गुड़ के विपरीत। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होगा, गुड़ के विपरीत, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उधो का लेना न माधो का देना, उधो का लेना न माधो का देना, का मतलब होता है अपने काम से काम रखना, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसका हो जाएगा, इसका इसमें एक अलंकार जो होगा वो लटानुप्रास होगा, क्योंकि पद जो मनुष्य की आवृत्ति है वो 2 बार हुई है, समझ गए। और यहाँ पर एक मनुष्य और 2 मनुष्य जो हुआ है, इसमें जो पद होते हैं, पदों की आवृत्ति 2 बार होती है, उनके जो आशय होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो भाई यहाँ पर ता की आवृत्ति बहुत ज़्यादा बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि इस काव्य में जो प्रस्तुत वस्तु है टीला, उसकी तुलना अप्रस्तुत वस्तु हाथी से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो हमारी उर्वशी है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अंधायुग किसकी रचना है, तो अंधायुग दोस्तों धर्मवीर भारती जी की रचना है, और पल्लव जो है हमारा वो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और जो हम निहार है, निहार हमारा महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर के लिए, वो उर्वशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में सूर्य का शत्रु माना जाता है, निम्नलिखित में सूर्य का जो शत्रु है वो माना जाता है राहु को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें राहु को सूर्य का शत्रु माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना रचनांश के रचयिता के नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं, संदेश रासक। तो संदेश रासक किसकी रचना है दोस्तों? संदेश रासक जो है दोस्तों वो है अब्दुल रहमान की। जी हाँ, किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल रहमान कौन थे? बेसिकली जो अब्दुल रहमान थे ये आदिकालीन रासो काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पुष्प की अभिलाषा। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, पुष्प की जो अभिलाषा एक कविता है ये लिखा गया है किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। इनकी प्रसिद्ध कविता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, इसकी प्रथम पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका अपने अपने राम। अपने अपने राम जो उपन्यास है वो किसने लिखा है दोस्तों? जो अपने अपने राम उपन्यास है दोस्तों उसको लिखा है इलाचंद जोशी जी ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलाचंद जोशी जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? तो यहाँ पर जो अर्थ अवलंब अपमान, यहाँ पर अर्थ अवलंब अपमान हमारे विशेषण तो है नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ अवलंब अपमान जो हमारे संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। हमारे किस में श्रेणी में आते हैं? संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो हमारा आदिम है, आदिम क्या है? ये एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य का मतलब क्या होता है भाई? वह भला आदमी चला गया वाक्य में जो विशेष शब्द है वो आदमी हो जाएगा। समझ गए? आदमी जो है विशेष शब्द है, जबकि जो भला है वो हमारा उसका विशेषण है। विशेषण है यानी कि जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं वो हमारा विशेष्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? उनको विशेषण ही तो कहा जाएगा भाई। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य बोलेंगे, और विशेषता जिस शब्द से हम विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है आईना शब्द है। आईना कैसा शब्द है दोस्तों? तो जो हमारा ये आईना शब्द है ये हमारा अगर देखा जाए फारसी है, अरबी, तुर्की या हिंदी, तो फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी में दोस्तों आईना हमारा एक फारसी शब्द है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका चांद तत्सम शब्द बताना है। इसमें क्या बताना है आपको? तत्सम शब्द बताना है चांद, चंद्रमा, चंदर या चंद। चांद, चंद्रमा, चंदर या चंद। तो यहाँ पर जो तत्सम होगा दोस्तों हमारा वो चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है तद्भव शब्द का चयन करना है। भाई तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर। तो इन देखिए पीड़ा है, पर्याप्त है, केरा है, शिल्प है। तो यहाँ पर जो पीड़ा है वो एक तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो अशुद्ध भाग देख लेते हैं, पहले चारों पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है आपके चारों ऑप्शन? उनके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। भाई उनके सिर के बाल कैसे थे भाई? सफ़ेद। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहना क्या जाता है? अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो उनके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। दूसरा है आपका सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। और तीसरा है उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। तो सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए था शुद्ध भाग का चयन करिए। तो क्योंकि इसमें 3 अशुद्ध दिख रहे हैं, 1 शुद्ध दिख रहा है। क्या देखिए यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा हमारा शुद्ध है। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला ही ऑप्शन सही होगा, उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। यहाँ पर शुद्ध भाग का चयन करना है, शुद्ध का नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाए ध्यान से, उद्धत, उद्धत, उद्धत और उद्धत में यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो नग के लिए हमारा पर्यायवाची शब्द पर्वत हो जाएगा। समझ गए? पर्वत का जो पर्यायवाची है वो नग है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करके बताना है किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं। तो आपको ये कमेंट करके बताना है, ये आपका आज का होमवर्क है। तो देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।